पुलिस की लापरवाही से एक हत्यारोपित थाने से हथकड़ी समेत भाग निकला। आरोपी के भागने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाने से भागकर हत्यारोपी ने शराब पीकर ग्रामीणों से गाली गलौज शुरू की। नाराज ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा और फिर पुलिस को सौंप दिया। हाथीगवां थाना क्षेत्र के समसपुर निवासी धुन्नीलाल यादव की 1 दिसंबर को हत्या कर दी गई थी। 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। सूत्रों की माने तो इस मामले में एक आरोपी को पुलिस 4 दिन पहले पकड़कर थाने लाई थी। पुलिस लॉकअप में अवैध शराब डंप होने के कारण उसे रात में लॉकअप के बाहर हथकड़ी लगा दी गई थी। हथकड़ी को लॉकअप के दरवाजे से बाहर फंसा दिया गया था। शनिवार रात किसी तरह हथकड़ी की रस्सी काटकर हत्यारोपित भाग निकला। हत्यारोपी के फरार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हत्यारोपी को पकड़ने में हथगवां पुलिस को ठंड में पसीना छूट गया। उधर थाने से भागने के बाद आरोपी ने पहले शराब पी, उसके बाद वो बेती गांव पहुंचा, जहां उसने ग्रामीणों से गाली गलौज शुरू कर दी। हाथ में हथकड़ी लटकती देख ग्रामीणों ने बदमाश समझकर पीटा, उसके बाद पुलिस को बुलाकर उसे सौंप दिया। हथगवां थाने के इस कारनामे की सूचना पर CO और ASP पश्चिमी भी थाने पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ऐसे किसी भी मामले से इनकार कर रही है।